Who? What? В лес приходит сказка, снег Whoa! Previously on Days Gone. पिछले मिशन में हम लोग फिर से ओब्रायन से मिलने जाते हैं जहाँ पर हम लोग उससे सैरा के बारे में पूछते हैं। वो हमें बताता है कि उसे सैरा के बारे में कुछ नहीं पता है और हमें एक नया काम थमा देता है जहाँ पर वो हमें एक रेडियो देता है जहाँ हम इस रेडियो को दूसरे न्यूरो रिसर्चर की बातें सुनने के लिए यूज करते हैं। दूसरे रिसर्चर की बातें और इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद ओब्रायन फिर से हमेशा की तरह गायब हो जाता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर लीसा को हम लोग खोजने जाते हैं जो कि फिर से गुम चुकी रहती है। इस बार वो सचमुच में गुम जाती है और हमें उसका लास्ट लेटर मिलता है और लगता है इस मिशन के बाद लीसा हमको कभी और दिखाई नहीं देगी। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं वापस आयरन माइन के कैंप में जहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रूजर की हालत बहुत ही ख़राब है और एडी हमें बताती है कि उसके लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स की सप्लाई कम हो चुकी है। इसके तुरंत बाद ही हमें स्कीज़ू मिलता है और हमें कुछ ड्रिप्टर्स के बारे में बताता है जिन्होंने उसे एंटीबायोटिक्स का लोकेशन बताया था जो कि रीपर के कैंप में था और वहां पर बहुत सारी दवाइयां थी। तो हम लोग बिना सोचे समझे रीपर के कैंप में चले जाते हैं, बहुत सारे रीपर को मारते हैं और वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे सामने खड़ा रहता है एक बहुत बड़ा हल्की तरह दिखने वाला जॉम्बी जिसे मारते मारते हम लोग पागल हो गए थे और टोटली थक गए थे। ले देके उसको हराते हैं, उसके बाद हमको वहाँ पर एंटीबायोटिक्स मिलता है, उसे हम अपने गाड़ी में लोड करते हैं, वापस उस कैंप से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते के साथ हमारे सामने रहता है स्कीजल और उसकी गैंग और वहाँ पर रिगी पहुँच जाती है। रिगी बताती है कि ब्रूजर फिर से मरने लायक सिचुएशन में आ गया है। हम लोग वापस कैंप जाते हैं, वहाँ पर हमें एडी बताती है कि उसके हाथ का इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और उसके हाथ को काटने के अलावा कोई चांस नहीं है। इसलिए हम लोग एडी की मदद करते हैं कि ब्रूजर का हाथ कट जाए और उसके बाद उसका ऑपरेशन हो जाता है। बट उसके तुरंत बाद ही आयरन माइक आता है और हमको कस के हड़काता है और कहता है कि हमने रीपर के साथ पंगा लेके पूरे कैंप को मुसीबत में डाल दिया है और इसी के साथ हमारा वॉक थ्रू एंड हो जाता है। तो चलिए आज का वॉक थ्रू। मम्मी पराठे के साथ अचार चाहिए। ओह शिट, गेम चालू हो गया। सो वेयर इज अप एवरीवन, मैं K9 बट ब्रेवियन और आप लोग देख सकते हैं मैं कह रहा हूँ डे इज गॉन। तो दोस्तों हमारा अगला मिशन अभी चालू ही होने वाला है। हमारा जो अगला मिशन है वो ओब्रायन के साथ है और ओब्रायन ने हमें यहाँ पर बुलाया है मिलने के लिए। चलिए देखते हैं वो हमसे क्या चाहता है। फालतू गिरी के लिए बुलाया होगा ऑब्वियसली, किसी का पीछा करने या फिर किसी की बात सुनने। चलिए दोस्तों ये तो मिशन चालू होने के बाद ही पता चलेगा। Brian, I'm at one of your beacons. Which one? What do you mean, which one? This Nero radio has a GPS, doesn't it? Yes, of course it does. You're at Olali Falls. Okay, good. Keep an eye out. A field op is going to be there any minute. O'Brien out. O'Brien? Oh, God damn it. ओके दोस्तों फिर वही पुराना काम, ओब्रायन का काम करना है हमें। ये देखिए नीरो हेलीकॉप्टर हमारे सामने उड़ रहा है हेलीकॉप्टर और हमें इसके उतरने का वेट करना है और यहाँ पर जितने भी लोग निकलेंगे उनका पीछा करके ओब्रायन के लिए डाटा कलेक्ट करना है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया दोस्तों कि ओब्रायन ये काम हमसे क्यों करा रहा है और उसे ये डेटा क्यों चाहिए। वो तो नीरो में खुद काम करता है, उसे तो हर चीज़ पता होना चाहिए, बट वो हमें यहाँ भेज रहा है इस फील्ड में इन लोगों का पीछा करने और इन लोगों की बातें सुनने। कुछ समझ नहीं आ रहा, चलिए मिशन पे फोकस करते हैं दोस्तों। ये देखिए 4-5 चिलगुजे इस हेलीकॉप्टर से नीचे उतर चुके हैं, अब इनका पीछा करना है दोस्तों। एक तो हेलीकॉप्टर के पास ही है, ये चार कहीं और जा रहे हैं। और शिट, देख मत ले बस। ओके ये देखो ये लोग उस गुफा की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, चलिए उधर ही चलते हैं। ओह शिट ये इधर आ गया, यस हमारे पास मौका है, चलो बढ़िया। ये काम आसानी से होना चाहिए दोस्तों, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, एक गलती हम पकड़े जाएंगे। चल बेटा तो उधर को जा, इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। ये पुम रास्ता क्लियर है, चलो हम लोग चलते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। ये लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं मैं थोड़ा हूँ तो आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये पीली यूनिफॉर्म वाला कह रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो मैडम, जो भी तुमने 3 stage, 2 stage, 1 stage बताया वो समझ नहीं आया। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो बोल रही है और ये बोल रहा है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप से पहले ये बायोलॉजी मेजर था और बोल रहा है कि तुम मुझसे
कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के साथ बात कर सकती हो, मुझे समझ आ जाएगा। अब ये ट्रांसलेट करना मेरे बस का भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा बोल रही है कि जोम्बी का जो वायरस है कैसे एक इंसान के शरीर में फैला, उसके बारे में डिटेल में बता रही है। आप लोग नीचे जो कैप्शन आ रहा है उसे पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। साला मेरे को भी 12th में बायो लेना चाहिए था, थोड़ा बहुत समझ आ जाता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेम्स मतलब तो समझ जाते हैं दोस्तों, आप लोग भी समझ जाओगे। देख रहे हो इनका कन्वर्सेशन लगभग लगभग ख़त्म ही होने वाला है। हमें अपना रास्ता खोज लेना चाहिए दोस्तों, कहाँ से हम लोग भागेंगे, ये लोग किधर से निकलेंगे, वही उसी पे डिपेंड करेगा कि हमको किधर जाना है, ठीक है? तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो ये लोग निकलने वाले हैं। रिटर्न टू योर बाइक। ओके मैं रिटर्न करता हूँ, जिस रास्ते से आया था उधर से जाके देखता हूँ। ओह नो शिट, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ओके इधर रास्ता पूरा ब्लॉक्ड है, दो पहरेदार हैं। ये रास्ता किधर को जाता है? चलिए इधर ही चलते हैं, शायद ये रास्ता बाहर को निकलता हो या फिर जोम्बी के खाने के टेबल पर। ओके और ये देखिए रास्ता बाहर का। सही है, सही खेल गए दोस्तों अपन लोग। सही खेल गए ब्रायन। ओब्रायन को ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ओब्रायन कभी बताएगा नहीं और हम लोग कभी जानेंगे नहीं, ये तो साला गेम कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। मिशन कंप्लीट। ओके दोस्तों तो मैं सीधा मिलता हूँ आपको अगले मिशन पर। तो चलिए चलते हैं वापस आयरन माइक के कैंप में। वो रिटर्न टू आयरन माइक कैंप, वाओ मिशन का नाम भी ऐसा ही है क्या? चलिए रिकी से बात करते हैं, ये हमको अपना मिशन देगी। Hey, Ricky, you said you had a job for me? Hey, Deke. Yeah. You remember Shane Riley? Everyone called him Red. Red Riley. Yeah, never heard of him, but let me guess, Ginger? What, red hair? No. It was his boots. He wore these rattlesnake boots dyed with god-awful red color. He made quite the impression. No, I bet. Anyway, he used to do runs for us back in the day until one day he decides he didn't like the camp credits we were paying. So he up and kills Lindsay Fuller. Who? Lindsay. Worked supply before Blair. Wait a second, so he killed an unarmed woman? Oh, she was armed. She just wasn't expecting him to shoot her in the face. Will you listen? So Red murders her, cleans out her supply hut, and then takes off before anyone knows what's happened. Got away clean. Oh, that son of a bitch. Until now. He and his men have been spotted up at Camp Pioneer. You don't gotta ask. I got this thing about him. About killing unarmed women. I know. So I knew you'd want to handle it. Yeah, like I said, I got this covered. What else can you tell me about him? Not much. Oh, wait. He chews tobacco. I heard he was such an addict that he rounds up cigarette butts, takes out the tobacco and chews that. Well, that's disgusting. So now I got two reasons to kill him. Yeah, but be careful, Deke. Okay, a goddamn war zone. ये हमारा अगला मिशन होने वाला है दोस्तों। हमें एक रेड रायली नाम के एक बंदे को खोजना है जो कि टबैको खाता है, मतलब तंबाकू। छी, कितना ही घिनौना आदमी है। और उसने एक लेडी की सर पे गोली चलाई है, तो उसे पकड़कर हमें निपटाना है। और चलिए हम लोग मिलते हैं सीधा उसके कैंप में। ये देखिए आपका भाई पहुंच गया। यहाँ पर हमें रेड रायली को खोजना है, बट यहाँ तो गोलियां चल रही है दोस्तों। मिशन का नाम वॉर जोन है, मतलब लड़ाई तो होना पक्का है। वो लुक एट दैट, क्या किया जाए। उधर भी एक बंदा खड़ा है, बट इस बंदे को ठिकाने लगाना चाहिए पहले। इधर को आ पप्पू, तुझे प्यार दिखाऊं। पप्पू सो गया। चलिए यहाँ पर कुछ अजीब सा मैप में दिखा रहा है, मतलब यहीं पर मिशन है हमारा, मुझे ऐसा लगता है। और वो जोम्बी से लड़ रहा है, इन लोग जोम्बी से लड़ने में भिड़े हुए हैं। हमारा काम हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास काफी समय है। और ये देखिए ये रहा सुराग। रिकी बता रही थी कि वो बंदा मतलब टोबैको खाने के लिए सिगरेट से टोबैको निकालता था। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वहाँ पर टोबैको तो मिलता नहीं है, तो भाई सिगरेट से ही निकालेगा और कहाँ से निकालेगा। ओह शिट, ये देख रहे हो यहाँ पर एक बंदा है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर सकते, एक गलती और पूरे के पूरे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। किधर को जा रहा है बेटे? मेरे पास ये तो है भाई सप्रेसर, इसका यूज़ करके निपटा दूँ क्या? किधर को जा रहा है? वो सीधा जा रहा है। Whoa! Yo, bitch!
अगर ये देख लेती तो खेल हो जाता भाई, वो पीछे मुड़ता मुझे पेल देता। ओके, अगला सुराग यहीं कहीं पर है, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, मेरा मन ही यहीं है, मैं सुराग ढूंढूंगा। ये क्या है, उठा ले, यस काम का चीज है। और ये रहा हमारा सुराग। साला मतलब कहीं पर भी गुटखा खा के थूक रहा है साला, हद है। बोलो जुबा केसरी। हम लोग उसको सुराग मान के चल रहे हैं भाई। चलिए पीछा करते हैं कि किधर गया है वो। उसी के डायरेक्शन में गया होगा जिधर वो लड़का खड़ा है। हमारे पास मौका है दोस्तों, और दस्तूर भी। अबे लड़के रुक, माए तेरे को निपटाएगा। किधर को छुप रहा, हट, खेल खत्म। देखा दोस्तों, ये है चौकस नजरें जिससे कोई नहीं बच सकता, ये झिंगुर भी नहीं। क्या रे झिंगुर, झिंगुर का भाई भी आ गया। यस, ओ एक और सुराग, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये रहा उसका डब्बा। क्या कर रहा है भाई डब्बा में? अच्छा यहाँ सिगरेट है, यहीं से टबैको निकालता था। मतलब कतई नशेड़ी लग रहा दोस्तों हमारा जो कल्प्रिट है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। ओके यहाँ जाना है, चलिए अंदर चलते हैं। ओह शिट, भाग भाग भाग, यहाँ कोई है अंदर दोस्तों। आपको दिखाई दिया? आपको नहीं दिखा होगा, मुझे दिख गया, उसकी टॉर्च की लाइट जल रही थी। ओह शिट भाई साहब, जहां जाओ वहां दुश्मन है यार। ये तो हेलमेट पहना हुआ है साला, इसे गोली भी मारूंगा ना इसका पहले हेलमेट उड़ेगा, थोड़ा नहीं। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कहीं और जा भी नहीं सकते, गोली तो चलाना ही होगा, नहीं तो आप लोगों को मजा कहां से आएगा। पड़ जा बेटा। यस, अरे उसके मुंडे से हेलमेट तो निकल गया पर उसका मुंडा नहीं फूटा। किधर है, कहां है? Come here, bitch. Yes, headshot. Oh shit. बाहर निकल तू। Good. सही तरीके से खेलना इसको बोलते हैं दोस्तों। गाड़ी। Oh, ये देखो। गाड़ी। साला किसको देख रहा था अंदर? चलिए देखते हैं किसको देख रहा था। ओ ये देखो, हमारा अगला सुराग भी मिल गया दोस्तों। ओह गुड, यू आर इन, जीसस। ओह शिट, सुसु करने आया था, छी इसको कौन देखेगा? और कोई काम नहीं है साला, दूसरे कहीं पर सुसु कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ब्लड ट्रेल है, मतलब यहीं पर हमारा मिशन हो सकता है। हट बे, ये तो कचरा है साला, हट। क्या ही करे दोस्तों, चलो दरवाजा खोलते, खुल जा सिम सिम, बंद है। ये सामने वाला खुला होगा, खुल जा सिम सिम। यो बेच, खुल गया। चलिए यहां से निकलते हैं दोस्तों, कम ऑन। ओह शिट, अबे तू देखा कैसे मुझे लाल बंदर? लिटिल रेड राइडिंग हुड लग रहा था दोस्तों वो, हर तरफ से गोलियां चल रही है। कम ऑन, ओहो मैं यहां पर दो लोग से लड़ना नहीं चाहता, मुझे मिशन कंप्लीट करना है। क्या किया जाए? ओह माय गॉड, ये आपने देखा, वो गोली मेरे जस्ट सर के पास लगा, अगर मेरे सर पे लग जाता तो भाई मेरा थोपड़ा लाल हो जाता। इसे बोलते हैं किस्मत दोस्तों, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। आप लोग मुझे गधा मत समझिएगा, मैं तो बस एक मुहावरा बोल रहा था आप लोग को समझाने के लिए। ओ यार ये दरवाजा अभी लॉक होना था, ये तो खुल जाएगा। ओह नो, ये भी लॉक है, कहां से जाएं हम? चलिए रास्ता ढूंढते दोस्तों। और वो देखिए, वो रहा खिड़की, क्या यहां से चढ़ जाएगा? ना, हाँ यहां से चढ़ेगा, यहां से। गुड, बहुत बढ़िया। वाओ, यहां पर बंदे हैं दोस्तों, वो भी बहुत सारे। आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, मुझे दो दिख गए। ये तीसरा भी आ गया। ओके
थोड़ा वेट करते हैं। ये कहां से आया? Yo! सिस्टर बहुत ही हैवी ड्राइवर है, सीधा मौत के मुंह में आ गई। और तू भी मरने वाला है, जाड़िए। पट से हेडशॉट, खेल खत्म, खेल खत्म। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? कालिया किधर गया? इधर है। डैट या गुड, कालिया अभी भी जिंदा है दोस्तों, अब मर गया। मुझे लगता है रास्ता साफ है। और ये देखिए ये क्या है, सर्च कैबिन फॉर रेड रायली। लगता है रायली का कैबिन हमें मिल चुका है, मतलब कैबिन की चाबी। तो कैबिन खोजना होगा, तभी तो उसका कैबिन खोल पाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं दोस्तों, और मेरा मूड नहीं है कि अभी यहाँ पर मैं खोजबीन करूँ। चलिए बाहर निकलते हैं, मेरे पास अभी कम समय है, जितना जल्दी हो सके इस मिशन को कंप्लीट करना है दोस्तों, नहीं तो पूरा दिन बीत जाएगा। ओ शिट, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बाय। क्यों गोली मार रहे यार? रुक जाओ सालों। बैट, उधर भी एक बंदा है दोस्तों, आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। यस, कैबिन इसी एरिया में है, बट कहां है आई डोंट नो। चलिए कैबिन का पता लगाते हैं। ये वाले घर में मैं शायद जा चुका हूं, है ना? उस तरफ कैबिन नहीं दिख रहा। यस, ये वाले घर में मैं आ चुका हूं दोस्तों। ला ला ला, उधर कैबिन नहीं है। Wait a minute. Who are you? Hey! ये देखो तू क्या कर रहा है भाई, बिल्कुल चिंपू है वो। उसके दोस्त ऊपर भी है दोस्तों। मर जा साले, मेरे ऊपर गोली चला रहा था। और तू क्या कर रहा है? तेरा भाई तेरे बाजू में निपट रहा है, तू यहां पर हंस रहा है? लड़ाई के बीच में कान में ईयरफोन सुनेगा तो यही होगा, हद है। गधे को पता ही नहीं कि क्या हुआ। इस तरफ से हम लोग आए हैं दोस्तों, तो कैबिन वो होगा, मुझे तो यही लगता है। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि इसी जगह हम लोग अभी तक नहीं आए हैं। ओ, घर से आवाज आ रहा है, मतलब यही लोग हो सकते हैं दोस्तों। चलिए अंदर चलते हैं। देख रहे हो सारे लोग पूरा खिड़की बंद कर रखे हैं यार, हद है। खुल जा। हैं, कौन है वो? तो बहुत दूर है, तो किसका वेट कर रहे हैं हम लोग? खोल इसे। अबे फोन, गिर गया मैं, गिर गया चारों तरफ से। भागो भागो, मैं छुप रहा हूं दोस्तों, यही सही मौका है। बहुत गोली चला रहा साले, क्या समझ के रखा है? लप्पू से सचिन, बेटा ऐसा मारूंगा पूरी दुनिया भ्रमण करके आएगा। इस मैडम को छोड़ देना चाहिए, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कहाँ, कौन? ओ ये देखो, यही साला मुझे सबसे पहले देखा था। बेटा देखा कैसे तू? तेरी आंखें निकाल के गोटिया खेलूंगा, गोटिया गोटिया। Who? What? Come on, out. Whoa! Wow, दोस्तों, that was close. पकड़ा गया था मैं. Collect the boots. Proof of kill. Okay. किसका जूता उठाना है हमें? Oh, ये देखिए. लगता है ये Red Riley है. Okay, return the proof of kill. चलिए वापस चलते हैं रिकी के पास दोस्तों, हमारा काम हो गया। और ये देखिए, ये मोहतरमा यहाँ पर अकेले घूम रही है, इसको पता नहीं कि मैं इसके पीछे हूँ। क्या रे मौसे, खेल खत्म दोस्तों। और हमारा लास्ट काम और बच गया है, हमारा बाइक किधर है दोस्तों? बस वही खोजना बाकी है, तभी तो हम घर वापस जा पाएंगे। 700 मीटर दूर, लगता है काफी लंबा सफर तय करना है। मेरा बाइक इधर है दोस्तों, यहीं पर तो मैं उसे छोड़ा था,
ये रहा। चल बैठ जा गाड़ी में और घर के लिए निकाल। चलिए दोस्तों मैं सीधा आपको घर पे मिलता हूँ। ये देखिए पहुँच गया भाई साहब, काफ़ी लंबा रास्ता था बट पहुँच गए। यो रिकी। Hey, Ricky, I got him. Deacon, what a relief. Lindsay has some folks she was close to. I'll let him know. Yeah, okay. I'll see you around, Ricky. Okay, तो ये मिशन भी होता है कंप्लीट। चलिए अगले मिशन पे, Flow Like Buried Rivers। और हमारा जो अगला मिशन है वो पक्का आयरन माइक के साथ होगा। तो चलिए आयरन माइक के पास, वो हमें क्या मिशन देने वाला है उससे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। वाह यार, मतलब अगर पिछला वॉक थ्रू देखे तो सबसे बेहतरीन था, बट ये वाला वॉक थ्रू पूरा धमाकेदार था भाई। गोलीबारी से भरपूर फाइटिंग वाला मजा आ गया, अच्छा लगा थोड़ा सा। फास्ट पेस, गुड। चलिए आयरन माइक क्या बात करना चाहता है भाई साहब हमसे। Deke, I've been thinking about what you were saying about doing something to make a difference around here. Pay back the camp. I'm listening. Do you got a few minutes? I want to show you something. Yeah, guess I can spare you a minute or two. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि डीकन आयरन माइक को क्या दिखाना चाहता है, बट हम भी क्यूरियस हैं कि वो क्या बता रहा है दोस्तों। ब्रिंग आयरन माइक टू द केव्स। केव्स, गुफा में क्या है? भालू, शेर, ओ ज़ॉम्बीज। ये बहुत बढ़िया गैस है, मुझे तो यही लगता है। हम लोग पैदल जा रहे हैं ऐसे ही घूमते हुए। अबे तू अलग क्यों भाग रहा है, मेरे साथ चल चल। वाह दोस्तों, लगता बुढ़ाऊ है पर चलता फास्ट है। सही है बुढ़ाऊ। हे वो देखिए वो क्या है, ये कीचड़ में फंस गए हैं। चलो इनको निपटाते हैं दोस्तों। सीधा हेडशॉट दूंगा मैं। ये वो सही है। मजा आ गया भाई, क्या ही उड़ा वो, काफी कूल था। ऐसी कूल चीजों को देख के मैं ज्यादा खुश हो जाता हूँ दोस्तों, बढ़िया है। वैसे आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, प्लीज लाइक और सपोर्ट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वाट लग जाती है भाई वीडियो बनाते बनाते, बट आप लोगों का सपोर्ट आना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं आया तो मेरा ये मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं उन लोग को मैं बोलूंगा यार बिग बिग थैंक्स। मैं किधर गलत जा रहा, मैं सही जा रहा था। Jesus Christ! This is why you brought me out of here? You smell a bunch of goddamn freaks? Yeah. Okay. Come on, follow him. Wait. Follow him? Where the hell are we going? You'll see. Come on. मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम होगा दोस्तों कि आप लोग होर्ड देख रहे हैं। मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गेम में क्या चीज़ हो रहा है और क्या क्या मिशन मिल रहे हैं सामने, तो मैंने होर्ड देखा है। मैं डायरेक्ट भिड़ने के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास उतने गन्स और बुलेट्स नहीं थे, क्योंकि सीधी सी बात है होर्ड से लड़ना मतलब बहुत सारे इंसानों से लड़ने के बराबर है। वो लोग दौड़ के आएंगे क्रेजी की तरह और सीधा अटैक करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि उनको गोली लग रहा है या उसे हम लोग मारने वाले हैं। वाओ दोस्तों, मैं उनसे बच के रहता हूँ। Big groups, the ones that some call hordes. I think they're the reason we can't get their numbers. मतलब यही दिखाने के लिए आयरन माइक को तू यहाँ तक लेकर आ गया? भाई साहब देख रहे हो कितने सारे हैं? मेला लगा है इनका तो यार, गिन के हजार तो होंगे ही। वो देखो वहाँ से लेके यहाँ तक, भाई बहुत सारे हैं। हमने नीरो वालों के पास इनके बारे में सुना था कि ये लोग हाइबरनेशन करने के लिए गुफा में घुसते हैं, और यहाँ भी मुझे यही लग रहा है ये गुफा के अंदर उसी लिए जा रहे होंगे। यहाँ पर डीगन बता रहा है कि ये लोग इस गुफा में आ रहे हैं। वाओ,
कैसे आ रहे हैं आई डोंट नो, बट लगता है चींटियों की तरह चलते हैं। चींटियों को पता चल जाता है कि कब कहां से कहां जाना है, कब कब किधर को जाना है, कब घर बदलना है। लगता है इन ज़ॉम्बीज़ का दिमाग भी वैसा ही कुछ चल रहा है। इनको पता चल गया है कि किस गुफा में जाके हाइबरनेशन करना है, इनको आइडिया है, तभी तो इतने सारे ग्रुप में चल रहे हैं दोस्तों ये लोग। नहीं तो इन लोग का दिमाग तो पूरा गार्बेज है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता साला। बट इनको पता ही चल गया कि हाइबरनेशन करना कहाँ पर है, कहाँ जाके छुपना है। To stop the hordes coming through, maybe we can make some headway, reduce their numbers, make it safe. Hordes और zombies को खत्म करने का एक ही तरीका है, उन्हें मार दो। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। How do we do that? You know, goddamn well, you can't take on a whatever you call it, a horde. हाँ। This is how. I'll be goddamn. Yeah. They stay in there all day, hibernating or whatever the hell freaks do. So what are you thinking that we... Yep. Blow it the hell up. Stick a dynamite there, there, and there. We'll bring down a mountain of rock. We seal this shit up. Yeah, so we trap a few hundred inside. What good is that gonna no, do? No, you don't get it. We seal this cave. Maybe they don't got no place to sleep. Or maybe this trail of piss and shit dries out, goes stale, and others stop coming. All right. You got my attention. Okay, come on, let's head back. डेगन भाई साहब का प्लान तो बढ़िया है, बट इसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? वाह दोस्तों, यहाँ पर यह प्लान किया गया है कि होर्ड्स जब पूरे गुफा के अंदर हाइबरनेट कर रहे होंगे या फिर सो रहे होंगे, तो यहाँ पर डेगन ने एक प्लान बताया है आयरन माइक को कि हम लोग बहुत सारे बॉम्ब्स या फिर टीएनटी लाके पहाड़ को गिरा देंगे और गुफा का दरवाजा बंद कर देंगे, जिससे ये पूरे ज़ॉम्बी हैं गुफा के अंदर फंस जाएंगे और उससे जो ये कैंप है, ये पूरा लेक वाला एरिया है, वो सेफ हो जाएगा, ज़ॉम्बीज की कमी हो जाएगी और सेफ्टी बने रहेगा। बढ़िया आइडिया है, आई लाइक इट। आई वाज राइडिंग नॉर्थ ऑफ बेलनैप क्रेटर व्हेन अ चॉपर फ्लू बाय। अ चॉपर? व्हाट द हेल? Just listen to me. It was a black chopper, one of those Nero choppers. हाँ ये देखो, मैंने आपको बताया ना, ये वो नीरोस के रिसर्चर के पास ही सुना था कि ये ज़ॉम्बी हाइबरनेट करते हैं। हाँ, बढ़िया है। बट ये नहीं बता रहा कि ये ओब्रायन के पीछे गया था। वाओ, और ये भी नहीं बता रहा कि अपनी वाइफ का खोज कर रहा है। सही है डीकन, छुपे रुस्तम। भाई इसका कैंप काफी बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा है। मैं यहाँ पर पैदल घूम के नहीं देखा था, बट अब देख के लग रहा है काफी बड़ा एरिया ये। सही है, बट यहाँ पर घेरा बंदी करने का जरूरत है, मतलब सेफ्टी के हिसाब से। देखो ज़ॉम्बी यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, तो कैंप में तो रात में कभी भी घुस सकते हैं अगर कोई देख नहीं पाया तो। बहुत ही खतरनाक है ये। ओके चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मेरे हिसाब से इस मिशन के साथ हम लोग वीडियो को एंड कर सकते हैं। बढ़िया मिशन था, बट मैं और भी बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वॉक थ्रू के साथ। Hey, this idea of yours, it's got some merit, but job like that, it's going to take a fair amount of TNT. He said you wanted help making Lost Lake safer. This is how we do it. All right. Look, there's some things I got to do, okay? But you meet me at the bridge in a couple of minutes. I know where we can find some. Okay. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो एंड करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वॉक थ्रू, कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगले वॉक थ्रू में, तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। स्टार्ट करते हैं।